थ्योरी ऑफ इक्वेशन को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज हम आपके बीच में डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आए हैं। वह थ्योरम के नाम मैथमेटिशियन पर रखा हुआ है ना, कैसोडोडी थ्योरम। ये कैसोडोडी थ्योरम जो होता है और कहता क्या है यह थ्योरम कि एक ऐसा फंक्शन जो ऑलरेडी पहले से वह डिफाइंड है कोई इंटरवल पर और वह क्या है डिफरेंशिएबल है, तब हम लोग एक अनदर फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा और जो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा और एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसके बारे में डीपली जो है हम पढ़ेंगे कि इसका प्रूफ भी जानेंगे और इसका स्टेटमेंट भी जानेंगे। देखिए होता क्या है, लेक्चर नंबर 6। तो यह आज जो पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन जिसमें पढ़ना है कैसोडोडी थ्योरम। यह थ्योरम कहता है कि स्टेटमेंट आता है एग्जाम में आपको, स्टेट एंड प्रूफ इस थ्योरम में आता है, स्टेटमेंट लिखने के लिए कभी कभी आता है दोनों में। देखिए स्टेटमेंट आज क्लियर करते हैं आपको। तो स्टेटमेंट कहता है कि कोई एक फंक्शन जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है इस पर और इंटरवल आज आई इंटरवल यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल जो भी हो रिप्रेजेंट करेगा इसमें आई। आई क्या होता है जैसे इंटरवल नहीं है ए से बी तक है ना, ये क्या होता है जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देन कहता है कि जो एक्स इज डिफरेंशिएबल एट सी और सी जो एलिमेंट दिया गया है आपको नंबर दिया गया वो क्या कहता है बिलोंग टू इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ इसको हम लोग कहीं कहीं आई डबल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, यदि यह डिफरेंशिएबल है तो क्या करना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, एक फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा सेटिस्फाई करेगा तब वो फंक्शन क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए सी पर और सच दैट इस कंडीशन को क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करेगा है ना, जिसके साथ ये दिया हुआ है कि ए फाइव सी बराबर एफ डैश सी, फाइव सी बराबर एफ डैश सी। फाइव एक मैपिंग होगा जो हम लोग कंसीडर करेंगे किसके माध्यम से एफ के माध्यम से, यानी एफ पहले से ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है उसी के अकॉर्डिंग एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और वह फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ध्यान दीजिएगा इफ एंड ओनली लिखा हुआ है यानी कि दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और सेटिस्फाई करेगा, अगर फंक्शन एग्जिस्ट है और सेटिस्फाई कर रहा पहले से तब प्रूफ कीजिए कि एफ एक्स क्या है डिफरेंशिएबल होगा सी पर, यानी दोनों प्रूफ करना है ना। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा इसको, अब समझने की कोशिश करते हैं कि प्रूफ करने के लिए हम बताए थे कि केवल डिफरेंशियल को ही ले लेते हैं तब प्रूफ मेरा हो जाता है। जैसे यहां बोला कि एफ एक्स क्या डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स पहले से क्या हो डिफरेंशिएबल हो, यानी कि यह एग्जिस्ट करता हो एफ डैश सी से, एफ डैश क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है यानी इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और एफ डैश सी के बराबर भी है। तो यह जब एग्जिस्ट कर जाएगा एफ डैश सी तब इसके थ्रू एक फंक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे एफ को लेकर के यहाँ पर है ना, जो साबित करना पड़ेगा कि एफ फाई क्या है कंटिन्यूअस है और एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर इसका कन्वर्सली भी प्रूफ करने बोला है क्योंकि यदि ऐसा होगा है ना तो ऐसा भी होगा यानी कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा तो फाइव कंसीडर करेंगे ये भी क्या हुआ कंटिन्यूअस होगा और कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर फाइव एग्जिस्ट कर रहा है और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो प्रूफ कीजिए कि एफ डैश सी क्या हुआ डिफरेंशिएबल होगा, यानी दोनों तरफ प्रूफ कर रहा है आपको। अब समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है, हम स्टेटमेंट को लेकर चल रहे हैं कि सबसे पहले स्टेटमेंट से किसे प्रूफ करते हैं। देखिए कि ऑलरेडी एफ क्या है डिफरेंशिएबल है और डिफाइंड भी है, हम लोग सपोज कर लेते हैं प्रूफ में, प्रूफ में सपोज कर लेंगे कि सपोज डैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट सी इज इक्वल
एट सी पर, डिफरेंशिएबल एट सी, सी पर क्या है डिफरेंशिएबल है, तो आप जानते हैं कि डिफरेंशिएबल है तो देन क्या हुआ एफ डैश सी जो क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश सी क्या हुआ एग्जिस्ट करेगा। यही बोला है कि अगर ये डिफरेंशिएबल है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि देयर एग्जिस्ट क्या करेगा एक फंक्शन करेगा, जो फंक्शन क्या प्रूव करना है कंटिन्यूअस, हम लोग कंसीडर करेंगे फंक्शन को और फंक्शन क्या लेके चलेंगे फाइल लेके चलेंगे कि वी कंसीडर ए फंक्शन फाइल, फाइल एक फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर ए फंक्शन फाइल, फाइल एक देख लीजिए कितना इसको किसके अकॉर्डिंग लेंगे एफ एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि एफ डैश एक जो एग्जिस्ट कर रहा है ना डिफरेंशिएबल उसका, वही क्या करेगा एक एग्जिस्ट करेगा फंक्शन को फाइव एक्स को, जो रिप्रेजेंट करेगा क्या चीज एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी, कब होगा जब एक्स सी के बराबर नहीं होगा, फोर एक्स नोट स्क्वायर टू सी है ना, और सी जो है कहां से लिया गया एक इंटरवल से लिया गया है, यानी फाइ एक्स फंक्शन जो है कंसीडर किए एफ एक्स के लो करके, और जो बताया कि एक्स जो है सी के बराबर नहीं होगा तो यह होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएबल में। अगर ऐसा होगा तो एक एफ डैश सी होगा तब जब एक्स सी के बराबर होगा, यानी दो कंडीशन यहां पर ले लिया लोग कि अगर सी के बराबर नहीं है तो यह तो होगा, या अगर सी के बराबर है तो आप बताया था क्या कि डिफरेंशिएबल होगा किस पर सी पर, यानी एफ डैश एक्स होगा एफ डैश सी होगा सी पॉइंट पर, तो फाइव एस का दो फॉर्मूला लिया गया है। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि वी चीज कंटिन्यूअस, जो हम लोग फंक्शन कंसीडर किए एग्जिस्ट किए हैं वह फंक्शन क्या है प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस होगा, यानी कि देन वी हैव टू शो दैट शो करना पड़ेगा कि फाइव जो है क्या है फाइव एक्स जो लिया गया है ये कंटिन्यूअस है, इस कंटिन्यूअस है किस पर एट एस बराबर सी पर कंटिन्यूअस है, उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है एंड सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को एंड सेटिस्फाई द कंडीशन, कंडीशन कितना आपका दिया हुआ था एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू एक्स माइनस सी फाइ एक्स, इसको वन मान लेते हैं। अब वी है उसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है जो हम लोग के पास पहले से है, वो तो क्या है फाइ सी बराबर एफ डैश सी, अगर ऐसा संस्थान करता तो कितना हुआ फाइ सी बराबर एफ डैश सी। अभी तक जो लिखे हम जो स्टेटमेंट कर रहा था वही चीज लिखे हैं, स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा किससे कोई ना कोई एक फंक्शन से एग्जिस्ट कर रहा है, तो वी कंसीडर ए फंक्शन फाइ एक्स किसके अकॉर्डिंग लिए एफ एक्स के अकॉर्डिंग लिए, जो बोलता है कि एक्स नोट स्क्वायर टू सी के लिए यह होगा, अगर सी पर है तो क्या होगा एफ डैश सी होगा, यानी एफ डैश क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है सी पर आपका, इसलिए एफ डैश सी होगा। फिर वही बोलता है कि जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वो क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो देन वी हैव टू शो दैट फाइ एक्स क्या कंटिन्यूअस होना चाहिए इसको सी पर, और सेटिस्फाई करना चाहिए किसको इस कंडीशन को करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए, और उसके साथ क्या लेंगे तो फाइ सी बराबर एफ डैश सी। ऑलरेडी इतना स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ था, अगर स्टेटमेंट याद कर लेते हैं तो ऑलरेडी आपका इतना ऑटोमेटिक लिख सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोग करना क्या है इस फंक्शन जो कंसीडर किए हैं इसके अकॉर्डिंग लेकर के दिखा देंगे कि फाइ एक्स क्या है कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस कंडीशन हम जानते हैं क्या होता है, देखिए कि कंटिन्यूअस को करना है फाइ को हम लोग इसी से लेंगे जो फाइ एक्स दिया हुआ है, कैसे लीजिएगा उसके लेने का तरीका है कि नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी
फाइ एक्स बराबर अगर फाइ सी प्रूफ कर देते हैं, फाइ एक्स बराबर फाइ सी अगर प्रूफ कर देते हैं तो समझ जाएंगे कि यह क्या है, फाइ कंटिन्यूअस है। तो फाइ एक्स का मान कितना है, एक्स टेंड टू सी दिया गया है, यानी कि एक सी के बराबर नहीं है, तो क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी, यह दिया जाएगा। और इसका मान क्या है, एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश सी होता है, क्योंकि एफ पहले से क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश सी। और एफ डैश सी का मान मालूम है कितना है, फाइव सी, कितना है फाइव सी, एफ डैश सी के मान कितना हो गया फाइव सी। किससे दिया गया है, फ्रॉम टू से, ये भी स्टेटमेंट में ही था आपका, फ्रॉम टू से। अब इसका काम कंप्लीट हो गया आपका, अब चलेंगे कि क्या ये कंटिन्यूअस हो गया, तो देखिए कंटिन्यूअस का कंडीशन सर्टिफाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्स टेंड टू सी फाइ एस का मान अगर फाइ सी के बराबर हो जाए तो क्या समझते हैं हम लोग, यहां पर फाइ एक्स क्या है, इज कंटिन्यूअस हो गया, किस पर, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पर, यहां पर एक्स नहीं बल्कि सी होगा, कितना लाते फाइ सी लाते, लिमिट एक्स टेंड टू सी फाइ एक्स बराबर कितना होना चाहिए, फाइ सी होना चाहिए। तो समझ आता है क्या कि फाइ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी, ये किसका कंडीशन है, कंटिन्यूअस कंडीशन है। हम लोग ये कंडीशन प्रूव कर दिए कि फाइ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग को सेटिस्फाई करना पड़ेगा किस कंडीशन को, कंडीशन नंबर वन को। तो इसको प्रूव करने के लिए कंडीशन नंबर वन को हमको दो केस लेना पड़ेगा, कि अगर x बराबर a हो तो देन फ्रॉम वन से वन में एलएचएस भी है और आरएचएस भी है, तो एलएचएस कितना है, एफ एक्स माइनस एफ सी, तो कितना हो गया, कितना लेना है, ए नहीं बल्कि यहां पर क्या लगे, सी पॉइंट हम लोग प्रूव करना है, तो एक्स बराबर सी तो कितना हो जाएगा, यहां पर एफ सी माइनस एफ सी तो कितना हो जाएगा, जीरो हो गया, लेफ्ट साइड भी जीरो हो गया और राइट साइड भी जीरो होना चाहिए मेरा, कितना राइट साइड में दिया हुआ है, एक्स माइनस सी फाइव एक्स, यानी कितना होगा, सी माइनस सी फाइव एक्स। जैसे एक्स का मान सी रखें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू फाइव एक्स कितना हो गया, जीरो हो गया आपका। यह भी कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया, किसके लिए, एक्स बराबर सी के लिए। अब अगर ऐसा लेते हैं, इफ एक्स नॉट इक्वल टू सी देन, तब सेटिस्फाई करता कि नहीं करता, देख लीजिए, देन भी है, कितना होगा, फाइव एक्स का मान जो लेना था कितना लेना था, एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी, ये किसमें, जो कॉन्सिडर किए थे हम लोग फाइव फंक्शन, जो बताया था कि अगर एक्स सी के बराबर नहीं होगा तो कितना होगा, फाइव एक्स बराबर इतना होगा, किसके लिए, फोर एक्स नॉट इक्वल टू सी के लिए था, और सी कहां बिलोंग करेगा, इंटरवल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक्स अगर नॉट इक्वल टू सी है, हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स नॉट इक्वल टू सी है तो एक्स माइनस सी भी क्या हुआ, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स माइनस सी नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी सेटिस्फाई करेगा आपका। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स माइनस एफ सी इसी से निकाल देंगे, इक्वल टू कितना हुआ, एक्स माइनस सी फाइव एक्स। अब देखिए कंडीशन वन भी क्या हो रहा है, एलएचएस बराबर आरएचएस किसके लिए, एक्स बराबर सी के लिए। यहां भी क्या हो गया, एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर एक्स माइनस सी फाइव एक्स क्या हुआ, प्रूफ हो गया, यानी दोनों के दोनों कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया आपका, यहां भी कर गया और यहां भी कर गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दी कंडीशन वन आर सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई। कैसे, एक्स बराबर सी लिए सेटिस्फाई कर गया, एक्स नॉट इक्वल टू सी लिए तो भी क्या किया, कंडीशन वन सेटिस्फाई कर गया, और एक्स नॉट इक्वल टू सी का मतलब हो गया कि एक एक्स जो होगा सी से बड़ा भी सकता है और सी से छोटा भी सकता है, यानी कि सी से बड़ा के लिए सेटिस्फाई है और छोटा के लिए भी है और बराबर के लिए भी है, और इसलिए बोल सकते हैं कि ये सेटिस्फाई करे किस पर, और इंटरवल पर, और इंटरवल पर, क्योंकि सी से पहले का भी इस्तेमाल लेते हैं, इस तरह से लिख लिए होंगे इसको,
एक इंटरवल दिया हुआ है और एक इंटरवल में एक सी पॉइंट है, कहता है सी पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, सी से पहले भी क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, सी से आगे भी क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, यानी नॉट इक्वल टू मतलब क्या पहले भी होगा और आगे भी होगा, तो दोनों के दोनों का सेटअप कर गया और इस पर भी सेटअप कर रहा है, यानी पूरा का पूरा इंटरवल पर वो सेटिस्फाई हो गया। तो लिख सकते हैं कि हेंस द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन वन सेटिस्फाइड फॉर ऑल इंटरवल, फॉर ऑल अच्छा कर दी फॉर ऑल कितना एस बिलोंग टू आर, यानी कि पूरा का पूरा इंटरवल क्या कर रहा है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, एस के प्रत्येक वैल्यू जो है इंटरवल बिलोंग करेगा, यहां सी लेके चले थे हम लोग, सी पर सेटिस्फाइड कर रहे थे। अब कंडीशन होता है यह फाइ क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, फाइ क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, जब फाइ एग्जिस्ट करेगा तो हमको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि फाइ एक्स फाइ डैश सी भी क्या करना चाहिए एग्जिस्ट करना चाहिए। अब हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कन्वर्सली, क्या करना होगा कन्वर्सली प्रूफ करना होगा, एक तरफ प्रूफ हो गया, एक तरफ क्या था कि ए पहले से क्या है डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, इसी के अकॉर्डिंग एक फाइ फंक्शन लिया गया, और जब इस फाइ फंक्शन लिया गया तो साबित करना है कंटिन्यूअस कर दिए और एक कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए कर दिया, ठीक है ना, एक तरफ से प्रूफ हो गया मेरा। अब क्या करना हुआ इस कंडीशन को लेते हुए इस तरह से प्रूफ करना है, एक तरफ हम ऐसे प्रूफ किए और दूसरा तरफ क्या करना हुआ इस तरह से प्रूफ करना होगा, यानी कि लेफ्ट से राइट और क्या राइट से लेफ्ट, अब इसको लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे कि एफ डैश सी क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा ये क्या हुआ एफ डिफरेंशिएबल हो, क्या हुआ डिफरेंशिएबल होगा। चलिए कन्वर्स ली तो कन्वर्स प्रूफ कर रहे हैं, तो पहले क्या सपोज करेंगे इन बात लेके चलेंगे हम लोग, सपोज दैट फाइव एक्स फाइव क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है एंड कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है, किस पर एट सी पर, सी पर क्या है कंटिन्यूअस है, और एक कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है एंड सेटिस्फाई एंड सेटिस्फाई द कंडीशन, एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कंडीशन कौन सा है कि एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू फाइव एक्स माइनस सी फाइव एक्स, इसको वह सेटिस्फाई कर रहा है, जब इसको सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग को शो करना पड़ेगा कन्वर्सली है, मैंने फाइव एक्स एग्जिस्ट कर रहा था और कंटिन्यूअस है सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो इसको लेके चल रहा है हम लोग मान लेते हैं थ्री आइए क्या कंटिन्यूअस भी है, तो देन वी हैव टू शो दैट, अब क्या शो करना पड़ेगा कन्वर्टी में वी हैव टू शो दैट, हम लोग को अब शो करना पड़ेगा कि एफ डैश सी क्या हुआ एग्जिस्ट करेगा और डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल किस पर एट सी, डिफरेंशिएबल एट सी, सी पर क्या हो रहा है डिफरेंशिएबल हो, यह प्रूव करना हमको साबित करना है, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। अब तो क्या बताया था सब स्टेटमेंट में दिया रहता है आपका ऑलरेडी सब कुछ, उसी को लेकर चलते हैं, अब इसका जो दिया हुआ है डिफरेंशिएशन मालूम है रख दीजिए आप, तो नाउ फोर पहले से मालूम है कि एक्स नॉट इक्वल टू सी रहेगा तो क्या लेंगे एक्स माइनस सी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है यह कंडीशन क्या कर रहा है सेटिस्फाई करेगा, तो क्या करेगा डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय
किससे, एक्स माइनस सी से, किसमें, इन थ्री में, थ्री कंडीशन था लेकिन चल रहे दिया हुआ कंडीशन है, कितना हुआ एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी इसका टू कितना हुआ एक्स, यहाँ क्या बचेगा फाइव एक्स, क्या बचेगा फाइव एक्स, क्योंकि एक्स माइनस सी कैंसिल हो गया था। अब इसी को लेकर के हमको यह साबित करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएबल है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि फाइव एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि फाइव एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट किस पर, एक्स बराबर सी पर, इसलिए हम बोले सकते हैं क्या लिमिट एक्स टेंड टू सी फाइव एक्स बराबर क्या हो जाएगा फाइव सी हो जाएगा, फाइव एक्स बराबर फाइव सी हो गया। अब इसमें क्या है एफ एक्स का मान मालूम है, रख दीजिए फाइव एक्स का मान कितना है, फाइव एक्स का मान इतना दिया हुआ है कितना एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी बराबर कितना हुआ फाइव सी, और इसका वैल्यू क्या होता है पहले से मालूम है क्या होता है, इसका मान एफ डैश सी क्या होता है एफ डैश सी, इसका मान भी दिया हुआ है फाइव सी बराबर क्या होता है एफ डैश सी, किससे फ्रॉम टू से, देखिए आप दिया होगा इसका मान, यानी कितना बन गया लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी इसका टू कितना हो गया एफ डैश सी। अब फाइव पहले से एग्जिस्ट करेगा तो एफ डैश सी भी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फाइव क्या कर रहा है फाइव एग्जिस्ट हो रहा है, यहां पर एफ डैश सी भी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, कारण क्या कि फाइव एग्जिस्ट कर रहा है, अगर फाइव अगर एग्जिस्ट करेगा तो एफ डैश सी भी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम देख के चलेंगे फाइव क्या एग्जिस्ट है और कंटिन्यूअस है, इसलिए फाइव एग्जिस्ट है, इसलिए भी क्या होगा एग्जिस्ट होगा। तो एफ डैश सी एग्जिस्ट कर गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल होगा किस पर एट एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी पर एफ एक्स क्या होगा डिफरेंशिएबल है क्योंकि एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी तक पढ़े हम लोग कि एक एफ था डिफरेंशिएबल था उसको लेके चले, एक फंक्शन को कंसीडर किए वो दिखा दिए कंटिन्यूअस और कंडीशन सेटिस्फाई करवा दिए, अब कंटिन्यूअस लेके चले कंडीशन सेटिस्फाई करवा के चले और फिर क्या कर दिए कि एफ डिफरेंशिएबल यानी कन्वर्ज प्रूफ हो गया, इसको बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन ही बोलते हैं हम लोग, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन हो गया। नेसेसरी कंडीशन क्या था कि एफ ऑलरेडी क्या है पहले से डिफरेंशिएबल है, तो प्रूफ कीजिए कि फाइव जो कंसीडर एग्जिस्ट कर रहा फंक्शन वो भी क्या है कंटिन्यूअस होगा और कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, योगेश्वरी कंडीशन। फिर लेके चले कि फाइव एग्जिस्ट करेगा कंटिन्यूअस होगा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब प्रूफ कीजिए कि एफ क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, हो गया सफिशिएंट कंडीशन, दोनों कंडीशन बोलेगा तो दोनों कंडीशन हो गया तरह से। इसमें इफ एंड व्हाइल लूप में ही होता है कि दोनों साइड प्रूफ करना पड़ता है, आपको कन्वर्टरी प्रूफ करना पड़ता है, कन्वर्टरी क्या है तरह सफिशिएंट कंडीशन ही है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आगे चल के यूज करेंगे कि कोई फंक्शन जो रहेगा एक उसी के अकॉर्डिंग दूसरा फंक्शन कंसीडर करेंगे और फंक्शन पहले से क्या हो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो, तो जो कंसीडर करेंगे फंक्शन वो भी क्या होगा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा इस थ्योरम के माध्यम से। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में।